अब एक काम करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। अभी धातु प्राप्त करनी है हम। हेलो, तीसरी क्लास आज हमारी है, दो क्लास हम पहले पढ़ चुके, और दूसरी क्लास में हमने लास्ट में समझा चुंबक के पृथक्करण विधि। ये समझा ना, क्या समझा? तो अब सब बच्चे हेडी बना लो, धातुओं का निष्कर्षण। हेडी बनाओ धातुओं का निष्कर्षण। धातु पे कैसे निकाल लोगे? धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण, यानी मानी धातु का निष्कर्षण। इंग्लिश में नाम लिखना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण। चले तो छोटी छोटी एडिंग है, ये पेपर में कुछ भी आती है। पहले नंबर पर कुछ क्रिया हैं ये, जब तुम धातु धातु प्राप्त करोगे ना, तो तुम्हें इन क्रिया की जरूरत पड़ेगी। धातु जब तुम निकाल लोगे, धातु कहां से निकाल लोगे? धातु में निकाल लोगे अयस्कों से। हेलो, जब धातुओं से तुम अयस्क निकालने की कोशिश करोगे ना, तो तुम छोटी छोटी क्रियाओं की जरूरत पड़ेगी। और इन क्रियाओं के नाम बताने जा रहे हैं, पेपर में पूछे जाते हैं कि निस्तापन क्या हो, भर्जन क्या हो। जब तुम धातुओं अयस्कों से धातु बनाओगे, तो तुम्हें ना इनकी जरूरत पड़ेगी। किसकी? इनकी धातु, तो इनकी कुछ छोटी छोटी क्रियाओं की। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इसमें नंबर। आज पहली हेडिंग हमारी निस्तापन। निस्तापन निस्तापन किसे कहते हैं? तो निस्तापन कुछ नहीं है, निस्तापन एक प्रकार की क्रिया हो। निस्तापन क्रिया में पता क्या हो? जो अयस्क हो ना, उस वायु की अनुपस्थिति में गर्म करा जाएगा, जहां वायु ना हो। जहां वायु ना हो, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। सुनूंगा मैं जो बता रहा हूँ। भैया जी, आपने बताया कि निस्तापन किसे कहते हैं? निस्तापन। तो अगली आज की हमारी हेडिंग है पहली, निस्तापन क्या हो। छोटी छोटी क्रियाएं हैं। धातु, जब धातुओं का निष्कर्षण करोगे, धातु बनाओगे, तो धातु बनाते वक्त तुम्हें इन क्रियाओं की जरूरत पड़ेगी। मैं कहूंगा इस पदार्थ का निस्तापन कर दिया यहाँ, तो निस्तापन कर दिया, तो तुम समझ जाओगे निस्तापन का मतलब क्या होगा। तो समझ लो निस्तापन का मतलब क्या हो। तो आज की हमारी हेडिंग है निस्तापन। निस्तापन है नहीं आया ताह, निस्तापन इंग्लिश में बोलते क्लाइनेशन। CLANATION, क्लाइनेशन। ओके, इंग्लिश में क्या नाम है? क्लाइनेशन। हिंदी में क्या नाम है? निस्तापन। कोई पूछे निस्तापन क्या है? निस्तापन एक प्रकार की क्रिया। निस्तापन क्या एक प्रकार की? तो निस्तापन क्या एक प्रकार की क्रिया, एक क्रिया है। अच्छा, इस क्रिया में होगा क्या? इस क्रिया में जो अयस्क होगा, ध्यान से सुन लेना, क्या होगा हमारा अयस्क? अयस्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होर्स। नहीं, ओर्स। जो हमारा अयस्क होगा ना, उसे हम गर्म करते हैं। निस्तापन एक ऐसी क्रिया होती है, एक क्रिया हो गया, इसमें हम इस क्रिया के अंतर्गत करते क्या होंगे? इस क्रिया के अंतर्गत हम अयस्क को ना गर्म करते होंगे। क्या करते होंगे? गर्म करते होंगे। पता किसकी अनुपस्थिति में? वायु नहीं होनी चाहिए वहां, ऐसी जगह गर्म करने होंगे जहां वायु ही ना हो, तो उसे बोलते हैं वायु की अनुपस्थिति। वायु क्या हो? अनुपस्थित। वायु की अनुपस्थिति, ठीक, अनप्रेजेंट होनी चाहिए वायु। वायु नहीं होनी चाहिए वहां, गर्म करते हैं। और पता क्या प्राप्त होते हैं? धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? धातु ऑक्साइड। जितना बताया जाए इतनी याद। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी कर कि हम ऐस को कौन से इसको गर्म करा ना, और कैसे हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ, अभी दिखाऊंगा कर। आया समझ में? और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके दिखाऊंगा तुम्हें। वायु की अनुपस्थिति में ना, वायु की अनुपस्थिति में हम अयस्क को ना गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ऐसी क्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। ये सर नो बता दोगे? अब मैं पूछूंगा बेटे निस्थापन क्या? गुरु जी आपने कहा था जो अयस्क होना, देखो उन्होंने हम गर्म करते हैं। ऐसे बताना आपको, गुरु जी आपने बताया था कि जो अयस्क होते हैं ना, उन्हें गर्म करते हैं। मैंने कहा कहाँ गर्म करते हैं? जी जहाँ वायु ही ना हो। मैंने कहा फिर क्या करते हैं? जी गुरु जी फिर ना धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। मैंने कहा फिर इसे क्या कहते हैं? जी गुरु जी एक प्रकार की क्रिया है, इस क्रिया को हम निस्थापन कहते हैं, इंग्लिश में क्लाइनेशन कहते हैं। बता दो कितनी बात है, कोई प्रॉब्लम? अब तुम बनाकर भी दिखाऊं, एक आधा तुम बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक। एक आधा अयस्क को ढकता हूँ, उसको गर्म करके दिखाता हूँ तुम्हें वायु की अनुपस्थिति में, और देखते हैं धातु ऑक्साइड प्राप्त होते नहीं होते हैं। क्या वो धातु ऑक्साइड, आ जाओ देखते हैं। चलो नंबर पहला पॉइंट, 2 दिन में क्रिया भी लिख देता हूँ उसके अंदर, CaCO3। तुम बताओ एक अयस्क नहीं है क्या? क्या आयो? इस अयस्क के अंदर तो कैल्शियम धातु प्राप्त होगी। कैल्शियम धातु इसके अंदर अयस्क है कि नहीं है? इसी का नाम मार्बल भी हो, मार्बल का भी सूत्र यही है। चूना पत्थर का भी सूत्र यही हो, पत्थर का जो सूत्र हो, मार्बल का यही सूत्र हो, CaCO3। इसका नाम ऐसा क्या हो गया? कैल्शियम और कार्बोनेट।
केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में CO3 का नाम कार्बोनेट होगा, इसका नाम कैल्शियम होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अयस्क है नहीं है, अरे भाई अयस्क है नहीं है, इसे गर्म करोगे, गर्म करोगे, आओ हम इसे गर्म कर देते हैं। गर्म करने का चिन्ह केमिस्ट्री में पता कैसा हो, ये गर्म करने का चिन्ह हो, हीट करने का, वायु, यहाँ लिख देंगे वायु की अनुपस्थिति, लिख देंगे यहाँ वायु की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, आया समझ में, गर्म कर दिया सर। जैसे तुम गर्म करोगे सी ए, इसमें से ओ चला जाएगा, मैंने कहा धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा, तो धातु ऑक्साइड प्राप्त करो, पहले धातु लिख दो, धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड का नाम का हो सी ए ओ बन जाएगा। अब देखो इसमें तो सी ए यहाँ एक ओ यहाँ चलाया, तो यहाँ CO2 नहीं बच जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2, देखो ऐसा करोगे धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ नहीं हुआ, अयस्क था नहीं था, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करा कि नहीं करा, क्या प्राप्त हो, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एक प्रकार की धातु नहीं है, तो बताओ धातु ऑक्साइड प्राप्त हुई नहीं। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ निस्तापन किसे कहते हैं, कुछ नहीं है गुरुजी, ये तो एक प्रकार की क्रिया हो निस्तापन, निस्तापन तो एक प्रकार की क्रिया हो, क्या हो जी गुरुजी, इसमें ना जो अयस्क होते हैं उन्हें ना गर्म करते हैं, मैंने कहा कैसे गर्म करते हैं जी, वहां गर्म करते हैं जहां वायु ही ना हो, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं क्या प्राप्त होते हैं, धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो बताओ अयस्कों से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में क्लाइनेशन या निस्तापन कहलाती है, ये बात सही है गलत है, बात समझ आई, कोई प्रॉब्लम, लिखा दूं सर, लिखवा दूं, लिखो, हेडिंग बना लिया तुमने निस्तापन, लिखो लिखो, लिखो अयस्कों को, अयस्कों को, अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, 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 यह क्रिया निस्तापन कहलाती है, यह क्रिया निस्तापन कहलाती है, लिख दिया। एक काम करो ये वाला डायग्राम भी बनाओ, इससे पता क्या होगा, तुम याद करने में आसान नहीं होगी, जब तुम याद करने बैठोगे, ये वाला डायग्राम भी इतना बनाओ, इसके नीचे थ्योरी लिखी ना, उसके नीचे इतना सा डायग्राम बना दो, निस्तापन क्या एक प्रकार की क्रिया, इसमें क्या होता है अयस्क, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, इसे लिख दो, अब जैसे भी लिखो, जैसे जैसे पहले वाली क्रिया लिखो, दूसरे वाली क्रिया लिखो, और तीसरे वाली भी लिखना, चले दूसरे वाले समझ लो, पहले वाली क्रिया समझ में आई, CaCO3 है ना, इसकी ब्रैकेट में लिख देगा मार्बल, इसका नाम क्या हो, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, अब इस दूसरे वाली क्रिया देखो, यहाँ देखो समझ लो, पहले सर कलू क्रिया सुनूंगा, तीनों तीनों देख लो, Fe2 अभी सुनूंगा, पहली बात तो देख लो Fe2O3 × H2O, बताओ अयस्क नहीं आएगा एक प्रकार, क्या कोई बच्चा बता सकता है इसमें तो कौन सी धातु प्राप्त होगी, आयरन, ये अयस्क नहीं आएगा, ये आयरन का अयस्क, लोहे का अयस्क हो, इसे पिघालोगे, पिघालोगे तो बाद में पहले से गर्म करोगे वायु की अनुपस्थिति में, तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा, देखो Fe2O3 प्राप्त होगा, Fe2O3 का नाम क्या बता सकोगे, Fe2O3 का नाम
हेमेटाइट होता, देखो हेमेटाइट प्राप्त हुआ है। आया समझ में, जल बाहर निकल चुका। यू बताओ यू एस के नहीं आता, इसे हमने गर्म नहीं करा, वायु की अनुपस्थिति में गर्म नहीं करा, धातु ऑक्साइड प्राप्त नहीं हुआ, इस क्रिया को हम निस्तापन नहीं कहते। क्या कहते हैं? निस्तापन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाइनेशन। कोई प्रॉब्लम कोई तुमसे पूछे निस्तापन क्या हो तो बता दो, निस्तापन क्या हो। पेपर में आया हुआ निस्तापन और भर्जन मंत्र, एक अगली क्रिया हो भर्जन, कोई पढ़ेंगे वह वायु की उपस्थिति में हो, इतनी बात बताओ समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ये वाली क्रिया देखो, ये इसका बताओ, ये बताओ किसका सूत्र? Al2O3 × 2H2 बॉक्साइट का। देखो जो पढ़ गए होंगे उन्हें सब पता, Al2O3 × 2H2 बॉक्साइट, ये बॉक्साइट का सूत्र है नहीं, बॉक्साइट, बॉक्साइट एक प्रकार का अयस्क नहीं है, अयस्क नहीं है, हमने इसे गर्म नहीं कर दिया, वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर दिया। तुम पूरा लिखना वायु की अनुपस्थिति में, शॉर्टकट मार दिया, वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर दिया तो हमारा Al2O3 प्राप्त हुआ, Al2O3 तो ये धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड ही प्राप्त हुआ, मैंने कहा था नहीं धातु ऑक्साइड प्राप्त होंगे। उसके बाद जल बाहर निकल चुका, 2H2 बाहर निकल चुका। अब ये बताओ ये हमारा जो बनवाने आने वाला पदार्थ, इसका नाम है एल्यूमिना, एल्यूमिना, हाँ इसके ब्रैकेट में लिख देंगे हम एल्यूमिना। ये बताओ हमारे धातु ऑक्साइड, ये भी धातु ऑक्साइड, ये भी धातु ऑक्साइड, ये भी धातु ऑक्साइड, या तो तीनों विक्रिया नोट कर लो, तीनों विक्रिया नोट कर लो। लिख दिया तक, तो बता दोगे निस्तापन किसे कहते हैं? चलो खड़ा हो बैठे, तू बैठ जा, तू बैठ जा, खड़ा हो। निस्तापन क्या हो? निस्तापन एक क्रिया या क्या हो उसमें? देखो ये इसको से गर्म किया जा, अच्छा जिससे धातु ऑक्साइड था, गर्म तो किया जा है इसको, किसकी अनुपस्थिति में करा जा? वायु की अनुपस्थिति, वायु नहीं होनी चाहिए वहां से, यही बात याद रखनी। अगली वाली क्रिया पढ़ा रहा हूँ वहां वायु होनी चाहिए, उस क्रिया का नाम है भर्जन, भजन नहीं भर्जन। बैठ जाओ, किसी का भी नंबर लगा इसे हटा दूं? सब नोट कर लिया, तीनों भी क्रियाएं होनी चाहिए, तीनों नोट कर ले विष्णु जस्ट अभी। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर जाओ, अगली क्रिया का नाम है भर्जन, अगली क्रिया का नाम क्या है? इसे बोलते हैं रोस्टिंग, ROSTING, रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? क्या नाम है हिंदी में? भर्जन। इसमें क्या होगा? आ जाओ समझ, ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट बात। कल फेन पलमन विधि पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? जो फेन पलमन विधि हो ना, फेन पलमन विधि में हम अयस्क को क्या क्या करते हैं? सांद्रण, और जो अयस्क थे उन उतार को सुखा लेते हैं, तो ऐसे अयस्क जो इन्हें सुखा लेते हैं ना, ऐसे अयस्को को बोलते हैं सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क, उनका सांद्रण हो चुका, सफाई हो चुकी, अभी साइड में रखे हुए सुखा लिया हमने, तो ऐसे अयस्को को क्या बोलते हैं? सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क। तो जो भर्जन क्या हो, भर्जन की, भर्जन भी एक प्रकार की क्रिया हो, कुछ नहीं होती है अभी, एक प्रकार, एक क्या हो या एक प्रकार की क्या हो, यह भी क्रिया ही हो। इस क्रिया में हो क्या हो, जो सांद्रित अयस्क होगा, कौन सा अयस्क? सांद्रित अयस्क का मतलब समझ चुके हो? बताओ सांद्रित अयस्क क्या होगा? जिसका सांद्रण हो चुका, जिसकी साफ सफाई हो चुकी, ऐसा समझो, जो सांद्रित अयस्क होगा ना, उसे ना हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? लेकिन गर्म तो करते हैं वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में। जो सांद्रित अयस्क है ना, उस वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, उसमें वायु की कुछ ना कुछ मात्रा मिलाएंगे, कुछ निश्चित मात्रा मिलाएंगे। जो सांद्रित अयस्क होगा उसे गर्म जरूर कर रहे होंगे, लेकिन वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, वायु की कुछ ना कुछ मात्रा मिलाएंगे उसके साथ। ये सुन लो, आए समझ। उसके बाद
करते हैं तो करने के बाद कुछ पदार्थ प्राप्त होते हैं, कुछ पदार्थ प्राप्त होते हैं, वो बात अलग है। बस इतनी बात तुम्हें याद रखनी, क्या बनने वाला क्या नहीं वो महत्वपूर्ण है, बस इतनी बात याद रखनी तुम। भर्जन एक प्रकार की क्रिया होगी, इस क्रिया के अंतर्गत ना जो सांद्रित अयस्क होगा उस वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं गर्म करते हैं, और धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अधिकांश मात्रा में धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, धातु ऑक्साइड उसमें भी धातु ऑक्साइड प्राप्त हो रहे थे, इसमें भी धातु ऑक्साइड प्राप्त हो रहे, अधिकांश मात्रा में धातु ऑक्साइड प्राप्त होंगे। लेकिन जो अयस्क होना चाहिए ना सांद्रित अयस्क होना चाहिए, कैसा अयस्क ऐसा, तो कोई सांद्रित अयस्क हो जब उसको क्या करते हैं गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में, वायु की निश्चित मात्रा। अगर वायु की उपस्थिति में गर्म नहीं करोगे तुम किसी पदार्थ के साथ ही मिला सकते हो, किसी दूसरे पदार्थ के साथ ही मिला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे। तो वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे तो वायु भी डाल लोगे और उसके साथ साथ दूसरा पदार्थ भी डाल सको। ये जो सांद्रित अयस्क होगा ना इसके साथ दूसरा पदार्थ भी डाल सकते हो, कोई अन्य पदार्थ भी डाल सकते हो तुम, कोई अन्य पदार्थ, अन्य सांद्रित अयस्क हुआ उसमें कोई दूसरा पदार्थ मिलाया और वायु भी मिलाई तब जाकर धातु ऑक्साइड प्राप्त हुए। ऐसा करके धातु ऑक्साइड प्राप्त करते वायु की उपस्थिति में, ऐसे क्रिया को हम भर्जन कहते हैं, भर्जन भर्जन। तो इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है तक दोबारा फिर समझा रहा हूँ। भर्जन क्या हो एक प्रकार की, इसमें क्या करते हैं सांद्रित अयस्कों को क्या करते हैं गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में, सांद्रित अयस्क के साथ ना हम कोई अन्य पदार्थ भी मिला सकते हैं, ऐसा समझ, अन्य पदार्थ मिलाएंगे और वायु की निश्चित मात्रा मिलाएंगे उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा। ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं भर्जन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों यहाँ तक आराम से कर ले जाओगे, हेडिंग बनाओ भर्जन उसके अंदर लिखो, तो बता रहा हूँ लिखो, सांद्रित अयस्क को अकेले, सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर, सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर गर्म करने पर अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर वायु की निश्चित मात्रा में, अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर ऐसा लिखना वायु की निश्चित मात्रा में, अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर वायु की निश्चित मात्रा में, वायु की निश्चित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। वायु की निश्चित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। इधर देख लो आराम से समझो, पहले पता लगा ना भर्जन कैसे कहते हैं। सांद्रित अयस्क होना चाहिए, सांद्रित अयस्क अकेला भी हो सकता या किसी उसे दूसरे पदार्थ के साथ ही मिला सकते हैं, और वायु की उपस्थिति में अगर उसे गर्म कर दिया तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होंगे। ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं समझना बस तुम। चलो आ जाओ, हमने एक सांद्रित अयस्क ले लिया जैसे ZnS, बताओगे ZnS का नाम, नाम क्या ZnS का नाम, जिंक ब्लेड, जिंक सल्फाइड का दो, जिंक ब्लेड का दो, ये जिंक ब्लेड है, जिंक ब्लेड ले लिया हमने, ये कैसा है इसका सांद्रित है कि नहीं सांद्रित है। इसके साथ क्या मिला दिया वायु, ओटू का नाम वायु नहीं है मिला, क्या कर दिया गर्म, जो गर्म करने का चिन्ह है त्रिभुज सा डेल्टा, गर्म कर दिया, वो गर्म कर दिया ना, गर्म करने के बाद हमारा धातु ऑक्साइड भी प्राप्त होगा। तो मैंने यहाँ तक निकाला धातु जिंक, यहाँ तक एक ओ ले लिया तो बन गया जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZN दो बार तो यहाँ ZN दो बार, ऑक्सीजन दो बार तो ऑक्सीजन कितनी बार दो बार, इतनी बात बताओ समझ में आई है। तो यहाँ दो तो गुना कर दोगे, 500 गुना कर दोगे, 200 गुना कर दोगे, 300 गुना करियो यहाँ, क्यों करोगे 300 गुना, देखो तीन दूनी कितना हो छः ऑक्सीजन, दो दूनी कितना हो चार, चार दो ऑक्सीजन ये रे, चार ऑक्सीजन यहाँ से, तो चार दो कितना जाएगा छः, सभी पदार्थ इधर बराबर होने चाहिए, इधर ही बराबर होने चाहिए, ये केमिस्ट्री का रूल हो, जितने पदार्थों की संख्या, जितने परमाणुओं की संख्या किसी तत्वों के इधर होगी ना
उधर भी इतनी होनी चाहिए। अगर जिंक इधर दो बार है ना, उधर भी जिंक कितना होना चाहिए, दो बार। देखो जिंक दो बार होना चाहिए, ऑक्सीजन दो यहाँ होगा, चार यहाँ होगा, तो तीन दूनी कितना हो, छह, दो की तीन में गुना हो जाए छह, तो ऑक्सीजन छह बार है। इसके अंदर अभिक्रिया संतुलित हो रही। देखो हमारा जिंक ब्लेड था, इसे हमने वायु की उपस्थिति में गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद हमारा धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ये हमारा जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड वायु की उपस्थिति में गर्म करा, नहीं करा, किसे गर्म करा, जिंक ब्लेड को, किसकी उपस्थिति में क्या कर दिया गर्म, क्या प्राप्त हुआ, जिंक ऑक्साइड। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, बहुत प्रदूषित गैस हो गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आज समझ, जो सिलेंसर हो ना गाड़ी हो, गाड़ी तो उसके पीछे से वाली गैस निकले, आज समझ, वातावरण को प्रदूषित करते जबरदस्त मात्रा में, SO2 जो गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। अभी ये नहीं पढ़ा रहा मैं, ये पढ़ा रहा हूँ भंजन कैसे कहते हैं। बस तुम्हें इतनी ही बात याद रखनी, कोई सांद्रित अयस्क होगा, उस वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे होंगे तो हमारा धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होगा, ऐसी क्रिया को ही ना हम क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। बात समझ में आई, एक आधा और ले लो, एक आधे तुम, एक आधा मुझे और बताओ जो तुम्हारे पास सांद्रित है, इसको नाम बताओ सांद्रित है इसका। कल बहुत सारे सल्फाइड है इसके लिए, तो बताओ PBS ले लूं, दूसरे नंबर पर एक और हमने ले लिया PBS, चलो PBS ले लिया। वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे, वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे, चलो वायु की उपस्थिति में गर्म करते हो, तुम्हें पता लग चुका किसे गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो तुम ये बात बताओ, तुम धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा, तो धातु इसमें ले लो, एक और इसमें ले लो PBO धातु ऑक्साइड, तो PBB चला गया, अरे एक ओस मतलब चला गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एस बच गया, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ एस बच गया, और यहाँ क्या बच गया, ओ बच गया, वही तो बचा, एक ओ तो उसमें चला गया। अब इसे संतुलित करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, SO तो कोई गैस होती नहीं, SO कोई गैस हो, SO2 होता तो मजा जाता बाद में, चलो SO2 खुद ही कर दो, SO2 क्या जा रहा। अब देखो यहाँ क्या करोगे तुम, तो यहाँ मैंने दो लगा दिया, यहाँ दो लगाने से क्या होगा, संतुलित करनी पड़ेगी ना मुझे, यहाँ मैंने तीन लगा दिया तो यहाँ दो लगा दिया मैंने, PB दो बार नहीं है, देखो PB दो बार, S कितनी बार हो, दो बार। अब देखो यहाँ S कितनी बार है हमारे यहाँ, S तो यहाँ 200 गुना कर दो, किस तो गुना कर दो यहाँ 200, देखो S दो बार, तो यहाँ देखो S दो बार, तीन दुनी कितना हो, छः, O कितनी बार है, छः बार, देखो यहाँ दो दुनी हो चार, O तो चार बार हो गए, और O ये O दो बार होगा, दो और चार कितने हो जाएंगे, छः हो जाएंगे, इसके मतलब अभिक्रिया संतुलित होगी। एक अध्याय का नाम और बताओ जिसमें S आता हो, सांद्रित है इसको जो, आए समझ, Ag2S, चलो Ag2S भी ले लेते हैं, Cu2S भी ले सको, ले सको Cu2S, ले सको। अब बताओ इसकी किस तरह क्रिया करेंगे, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन चलो हमने यहाँ कर दिया, इस तरह करने के बाद इसकी भी क्रिया कर दी, इसे क्या कर दिया, गर्म कर दिया, गर्म कर दिया तो धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होगा, तो धातु तो यह हो रही है Cu2O। बता सको कोई Cu2O का नाम क्या होगा, Cu2O का नाम क्या होगा, क्यूप्राइट, लिखवा रखा नहीं, लिखवा रखा, इसलिए तो लिखवाए थे, इसलिए याद करवाए थे, अगर मैं याद ना करवाता ना तुम उस दिन मार देने के बाद तो तुम्हें यहाँ मजा ही नहीं आता बिल्कुल भी, इसीलिए हर चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो आपको यूज होगी, इसे भी जो बारहवीं क्लास तू पढ़ा रहा ना इन फ्यूचर काम आएगा, आया समझ लो ठीक। बारहवीं क्लास के बाद मेरे पास एक साल टिकट हो, नौकरी पक्की, जिस तरह बारहवीं क्लास से पढ़ो, पढ़ता नहीं ना कोई, सबको पढ़ता तो नहीं, आया समझ, सबको अपनी इज्जत प्यारी, इज्जत बचाओ फिर आत्मा की तरह घूमो 7-8 साल, सही बात है, एक साल और चित्र में कहता हूँ बच्चों, मैं कहता हूँ भाई एक साल और चित्र, मानता ही नहीं, मैंने कह रहे बहुत चित्र लिया, तुम्हें कोई हो जो टिक जा तभी सब तैयारी करते, अभी तुम्हारा पूरा फोकस यही लगा हुआ पूरा का पूरा, क्योंकि जिसका फोकस नहीं है वो क्लास में नहीं है, जिसे पढ़ना ना, जिसे अपने कैरियर के साथ कुछ फिक्र है अपनी, सही बात, वो यहाँ क्लास में आकर बैठा हुआ, लगन उसके अंदर वो क्लास में बैठा हुआ, जिसे कुछ ऐसे जो खोपता बैठे हुए, समझ आई बात कि घर वाले कर ली देंगे नहीं तो, इतना बताओ समझ में आया नहीं है। अब बताओ यहाँ क्या करूँ मैं, उधर साइड में कौन सी, वहाँ पल्ली तरफ कौन सी गैस निकलती दिखाई दे रही तुम्हें, SO2 वही निकलेगी, यहाँ एक S बच रहा है, O2 बच रहा, तो SO2 तो निकलेगी निकलेगी पक्की बात है, तो टू SO2 निकाल दिया मैंने, यहाँ तो यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दो, देखेंगे संतुलित थोड़ी नहीं हो रही, दो दूनी चार, दो लगा दो यहाँ, दो दूनी चार, Cu चार बार, S दो बार, S दो बार, दो दूनी चार, चार और दो छः, तीन दूनी छः, सब चीज़ तो संतुलित हो चुकी, यू नहीं है तुम्हें अभिक्रिया रटोगे, करके देख लेना, रट लेनी बिल्कुल भी, निकल कैसे रहा पूछ लो मुझसे आकर कि गुरुजी यहाँ दो किस तरह आया, तीन किस तरह आया, पूछ लो, आए समझ में, नहीं तो फिर कितनी अभिक्रिया रटोगे, बात समझ में आई, कोई रट्टेबल यह रट्टा भी कैसे नहीं है इसमें, मैं पूछूंगा चलो अभी जो भर्जन है उसकी दो क्रियाएँ लिख कर दिखाओ, तो आप आराम से करना, पहले घर बैठ कर प्रैक्टिस करना, कैसे दो आया कैसे तीन आया, नहीं आया तो मुझसे पूछ लो क्या दिक्कत हो, समझ में आया, लेकिन रटना नहीं।
समझाए, जहां रटने का नंबर आगे वहां बता देंगे, बहुत ही कम चांस होगा तुम्हें रटना पड़ेगा। एक अध्यय भी क्रिया होगी 12वीं क्लास में तो रटने देने का, जहां तक तुम मेरे साथ पढ़ोगे ना वहां बिल्कुल भी रटना नहीं, इतना बताओ। समझ में आने, तीनों भी क्रिया लिख दो तुमने, लिख ली क्या? तो लिख दो, ऐसे क्या देख रहे हो? अगली क्रिया का नाम है प्रगलन, प्रगलन। अगली हेडिंग बनाओ बेटे प्रगलन। प्रगलन स्मेल्टिंग, प्रगलन ये वाली हेडिंग बनाओ प्रगलन। बड़ा मस्त, आराम से समझ जाओगे बहुत प्यार के साथ। भर्जन और निस्थापन समझ में आया? अच्छा समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम? देखो जो प्रगलन होगी ना, यह भी एक क्रिया ही हो, यह भी एक क्रिया है। क्या आया इस क्रिया के अंतर्गत क्या होगा ये भी समझ लो। इस क्रिया में ये होगा बेटे, जो भर्जित अयस्क होगा ना, देखो एक तो जो अयस्क बना भर्जित अयस्क, बाद में तुमने देखा धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होते, वो भी एक प्रकार का अयस्क, धात्विक ऑक्साइड भी, धात्विक ऑक्साइड जब तक धातु प्राप्त नहीं होने की ना तब तक वो अयस्क कहलाएगा। जो भर्जित अयस्क को चाहे निस्थापित अयस्क को, निस्थापन करने के बाद जो धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हुआ उसे बोलते हैं निस्थापित, निस्थापित अयस्क। और जो भर्जन की क्रिया के बाद जो धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हुआ ना उसे बोलते हैं भर्जित अयस्क। जो धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं ना उन्हें बोलते हैं भर्जित अयस्क और निस्थापित अयस्क। अगर निस्थापन की क्रिया में बना हुआ तो निस्थापित, निस्थापित अयस्क, अगर भर्जन की क्रिया में बना हुआ तो भर्जित अयस्क। तो जो भर्जित अयस्क होगा और जो निस्थापित अयस्क होगा, सुन लेना कौन सा अयस्क बोल रहे हैं, भर्जित, भर्जित अयस्क। नाम नहीं बोलोगे कभी नहीं, चाहे भर्जित अयस्क को चाहे हमारा निस्थापित अयस्क को, निस्थापित, निस्थापित अयस्क, चाहे भर्जित अयस्क को चाहे कौन सा अयस्क को, निस्थापित अयस्क को, जब उसके उसके साथ ना कार्बन मिला देते हैं, क्या क्या मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं, तो कार्बन एक प्रकार की अशुद्धि हो, या क्या हो, अशुद्धि, कार्बन बोल लो भी, कार्बन, कार्बन। तो आप आपको ना भर्जित अयस्क प्राप्त हुआ या निस्थापित अयस्क प्राप्त हुआ उसके साथ कार्बन मिला दो, उसे जब कार्बन के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ गर्म करते हैं, कार्बन के साथ करते हैं गर्म करते हैं या अभिक्रिया करते हैं, ऐसे कह सकते हैं कार्बन के साथ गर्म करते हैं। आपका भर्जित अयस्क हुआ चाहे निस्थापित अयस्क हुआ उस कार्बन के साथ गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ना धातु प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, असली मकसद क्या था हमारा, धातु प्राप्त कर, असली मकसद हमारा क्या था, प्राप्त हो चुकी। तो इसका मतलब नहीं धातु प्राप्त हो, चैप्टर खत्म होगा, अभी खत्म नहीं हुआ, आई छोटी छोटी क्रियाएं उसके अंदर यूज होगी, कहीं आगे यूज होगी, कहीं निस्थापन क्रिया हो जाएगी, कहीं भर्जन की क्रिया यूज होगी। तो मैं पहले बता देता हूँ, ऐसा बताओ इस क्रिया को नाम भर्जित अयस्क और निस्थापित अयस्क से, अयस्क को कार्बन के साथ मिलाने पर धातु प्राप्त होती है, इस क्रिया को प्रगलन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जित अयस्क बोलो तथा निस्थापित अयस्क, भर्जित अयस्क या निस्थापित अयस्क के साथ कार्बन मिलाने पर धातु प्राप्त होती है, इस क्रिया को प्रगलन कहते हैं, इंग्लिश में स्मेल्टिंग कहते हैं, स्मेल्टिंग। ये सुनो, लिखना चाहते हो हेडिंग बनाओ प्रगलन, हेडिंग बनाओ प्रगलन, लिखो भर्जित या निस्थापित अयस्क को, भर्जित या निस्थापित अयस्क को भर्जित या निस्थापित अयस्क को कार्बन के साथ गर्म करने पर भर्जित या निस्थापित अयस्क को कार्बन के साथ गर्म करने पर धातुएं प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, धातुएं प्राप्त होती है, धातुएं प्राप्त होती है, इस क्रिया को प्रगलन कहते हैं, इस क्रिया को प्रगलन कहते हैं।
इस क्रिया को क्या कहते हैं? ये वाला डायग्राम बनाओ, इससे तुम्हारा याद नहीं होगा तो छोड़ो मत बिल्कुल भी, बना दो, शॉर्ट करो, नीचे वाला डायग्राम बना दो। अब देखो ऊपर, ये देखो प्रगलन की क्रिया, देखो यहाँ क्या हो रहा है प्रगलन का, देखो इधर ये हमारा जो पी भी हो, ये भर्जित एस भी हो सकता, निस्तापित एस भी हो सकता, कार्बन के साथ मिलाया सर, गर्म कर दिया तो उसमें से पी भी तो बाहर चला गया और जो सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड वो बाहर निकल गया। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस हो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए कमरा बंद करके कभी नहीं सोना चाहिए हीटर चलाकर, उसके अंदर तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, अगर कमरा बंद हुआ तो जहरीली गैस हो तुम्हारे अंदर चले जाएगी और तुम्हारी रात रात भर मृत्यु हो जाएगी, याद रखना बात है। हीटर चलाते वक्त ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, सर्दी आने वाली होगी, ऐसा तो होता है। तो क्या जिंक ऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड है? जिंक ऑक्साइड। इसके साथ क्या मिलाया? कार्बन मिलाया, तो जिंक जिंक धातु तो बन गया अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड वो बाहर निकल गई, जहरीली गैस हो कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी बताया उदाहरण, धातु तो प्राप्त हो रही ना, धातु तो प्राप्त हुई ना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रगलन। प्रगलन तो बताओ, प्रगलन की क्रिया के दौरान धातु प्राप्त हो तो नहीं होती? प्रगलन की क्रिया के दौरान धातु प्राप्त हो नहीं होती? भर्जन की क्रिया के दौरान धातु प्राप्त हो? भर्जन की क्रिया के दौरान धातु प्राप्त हो क्या? निस्तापन की क्रिया के अंदर वहां तो बस एक एस प्राप्त हो, धातु ऑक्साइड प्राप्त हो केवल, धातु नहीं प्राप्त होती। ये सर नो, फिर इसे गर्म करते हैं कार्बन के साथ मिला तब धातु प्राप्त होती है। इतनी बार बताओ समझ में नहीं आई? ये वाला डायग्राम सा बनाया तुमने, ये तीन दो क्रिया लिख दी, लिख दो, ऐसे क्या देख रहे, लिखो समझ में आया भाई? कोई प्रॉब्लम? एक बात और सुनो, बताओ अपचयन क्रिया किसे कहते हैं? को बता सकता अपचयन क्रिया किसे कहते हैं? अपचयन क्रिया, बस यही पता बचपन वाली बात, जहां कार्बन के साथ क्रिया हो ना वो भी एक प्रकार की अपचयन क्रिया हो, जहां कार्बन के साथ क्रिया हो ना वो भी एक प्रकार की अपचयन क्रिया हो, तो ये सारी सारी अपचयन क्रिया, जो प्रगलन हो ना वो एक प्रकार की अपचयन क्रिया हो। प्रगलन कैसी क्रिया हो? अपचयन क्रिया। इस अपचयन क्रिया के दौरान जब धातु प्राप्त होती है तो इसमें ना कुछ ऐसी अशुद्धियां बाहर निकलती है जो अगलनीय होती है, जो कभी गलती नहीं, ऐसी अशुद्धियों को बोलते हैं अगलनीय अशुद्धियां। ये कौन सी क्रिया? अपचयन की क्रिया। प्रगलन की क्रिया ही तो अपचयन की क्रिया, आया समझ में? तो अपचयन की क्रिया के दौरान ना, अपचयन की क्रिया के दौरान कुछ ऐसी अशुद्धियां इसमें से बाहर निकलती है जो कभी गल ही नहीं सकती, ऐसी अशुद्धियों को बोलते हैं अगलनीय अशुद्धियां, और ऐसी अगलनीय अशुद्धियों को बोलते हैं धातुमल। धातुमल इंग्लिश में कहते हैं स्लैग। स्लैग एस एल ए जी ई स्लैग। बात समझ में आई? ठीक, हेडिंग बनाओ धातुमल, हेडिंग बनाओ धातुमल, स्लैग एस एल ए जी स्लैग धातुमल, हेडिंग बनाओ, बनाई हेडिंग धातुमल। इसमें लिखो अपचयन की क्रिया के दौरान, अपचयन की क्रिया के दौरान, अपचयन की क्रिया के दौरान कुछ ऐसी, अपचयन की क्रिया के दौरान कुछ अगलनीय अशुद्धियां बाहर निकलती हैं,
कुछ अगलनीय अशुद्धियां बाहर निकलती हैं, अगलनीय अशुद्धियां बाहर निकलती हैं जिन्हें धातु मल कहते हैं। जिन्हें धातु मल कहते हैं, समझ में आया? तो धातु मल एक प्रकार की क्या हो, अशुद्धि। तो इसलिए धातु मल के राइट में तुम ये लिख सकते हैं अशुद्धि, राइट में लिख दो अशुद्धि, अशुद्धियां हो एक प्रकार की अगलनीय अशुद्धियां, धातु मल के राइट में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तक इसका कोई उदाहरण मत लिखना अभी, समझ में आया बात है? नेक्स्ट सुनो बच्चा लोगो, अभी अपचन की क्रिया नहीं है, अपचन की क्रिया, अपचन की क्रिया के दौरान, हेलो, अपचन की क्रिया के दौरान ना, जब अपचन की क्रिया होगी तो हमें कुछ पदार्थ बाहर से मिलाने पड़ते हैं, या अपचन की क्रिया वैसे कंप्लीट नहीं होती। जब तक तुम कोई पदार्थ बाहर से नहीं मिलाने गए तो भी क्रिया कंप्लीट नहीं होनेगी। जो पदार्थ हम बाहर से मिलाते हैं ना, उन पदार्थ को बोलते हैं हम गालक, गालक। तो पूछे गालक किसे कहते हैं, गुरु जी आपने बताया जब अपचन की क्रिया होती है ना, कुछ पदार्थ हम बाहर से मिलाते हैं तब अभिक्रिया संपन्न होती है, अभिक्रिया पूरी नहीं होती उनके बिना। तो जो पदार्थ हम बाहर से मिलाते हैं इस अभिक्रिया के दौरान, अपचयन की अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बाहर से मिलाए जाते हैं, उन पदार्थों को हम गालक कहते हैं, गालक, गालक। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? ठीक, इंग्लिश में नाम नहीं होता था, फ्लक्स कहते हैं, सारे फ्लक्स, हाँ गालक फ्लक्स कहते हैं। लिखो हेडिंग बनाओ गालक फ्लक्स, एफ एल यू एक्स फ्लक्स। अगर इसके अंदर लिखो अपचयन की क्रिया के दौरान अपचयन की क्रिया के दौरान अपचयन की क्रिया के दौरान कुछ पदार्थ बाहर से मिलाए जाते हैं, कुछ की जगह लिख दो जो, कुछ काट दो इसकी जगह लिख दो जो, जो पदार्थ बाहर से मिलाए जाते हैं। अपचयन की क्रिया के दौरान जो पदार्थ बाहर से मिलाए जाते हैं जो पदार्थ बाहर से मिलाए जाते हैं उन्हें गालक कहते हैं, गालक कहते हैं। चलो यहां तक तो ठीक था, गालक कहते हैं। और समस्या जब घटी, जब गालक भी दो प्रकार के हों, गालक कितने प्रकार के हों, दो प्रकार। अच्छा गालक पता लग गया किसे कहते हैं, अपचयन की क्रिया के दौरान कुछ पदार्थ कहां से मिलाए जाते हैं, बाहर से। जो पदार्थ बाहर से मिलाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। अब गालक कितने प्रकार के हों, दो प्रकार के। तो टाइप ऑफ फ्लक्स, हेडिंग बनाओ बीचों बीच कॉपी की हेडिंग बनाओ, गालक के प्रकार, गालक के प्रकार, इंग्लिश में टाइप ऑफ फ्लक्स, टाइप ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स दो प्रकार के हों गालक। नंबर एक अम्लीय गालक, नंबर दो अक्षारीय गालक। अम्लीय गालक नंबर दो, अक्षारीय गालक। बता सको क्षारीय गालक क्या होगा, स्कूल में पढ़ा दिए होंगे, पढ़ा दिए, पता क्या हो अक्षारीय गालक। अच्छा दोबारा
अगर अम्लीय होगा तो क्षारीय मिलाएंगे, अगर क्षारीय है तो अम्लीय। ऐसा क्यों करेंगे? इतना ही बताया था। अच्छा जी, तेरे स्कूल में नहीं पढ़ा भाई? तुम भी तो स्कूल जाओ। तो एनएचए तो पढ़ाते होंगे यार, पढ़ाए नहीं? धातुमल बताओ, क्या धातुमल अभी लिखवाया मैंने? धातुमल हेडिंग पड़ी हो, धातुमल क्या लिखवाया? धातुमल के बारे में। अच्छा एक चीज और पढ़ो, दिखाओ मुझे प्रगलन क्या हो। प्रगलन, प्रगलन पढ़ो करे क्या है? मेले में कौन कौन जा रहा आज? काम इतना दूंगा मेले में जाने को, छोड़ने के देखो। अब चलिए क्रिया के दौरान ना जो पदार्थ बाहर से मिला जाते हैं ना गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? गालनी, गालक। जो पदार्थ बाहर से मिला जाते हैं उन्हें गालक कहते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ फ्लक्स। एक हो अम्लीय गालक, एक हो अक्षारीय गालक। अम्लीय गालक भी गालक होंगे जो अक्षारीय अशुद्धियों को दूर करते होंगे। कैसी अशुद्धियों को? अम्लीय गालक ऐसे गालक होते हैं जो अक्षारीय शुद्धियों को दूर करते हैं, और अक्षारीय गालक ऐसे गालक होंगे जो अम्लीय शुद्धियों को दूर करते हैं। और करते कैसे हैं वो थोड़ा इंतजार कर लो, करिए जरा आज समझ लो, सुन लो दोबारा। फिर मैं पूछूंगा अम्लीय गालक क्या हो? जी आपने कहा था कि अम्लीय गालक ना ऐसे गालक हो जो अक्षारीय शुद्धियों को दूर करते हैं। ये अक्षारीय शुद्धि CaO, अक्षारीय शुद्धि यो SiO2, यो अम्लीय गालक, यो ना अम्लीय गालक इस अशुद्धि को दूर कर देगा अक्षारीय शुद्धि को। तो अम्लीय गालक ऐसा गालक होगा जो अक्षारीय शुद्धियों को दूर करता होगा। ऐसे गालक जो क्षारीय शुद्धियों को दूर करते हैं अम्लीय गालक कहलाते हैं। ऐसे गालक जो अम्लीय शुद्धियों को दूर करते हैं क्षारीय गालक कहलाते हैं। लिख लोगे परिभाषा? इसमें क्या लिखोगे? ऐसे गालक जो अक्षारीय अशुद्धियों को दूर करते हैं अम्लीय गालक कहलाते हैं। इसमें क्या लिखोगे? ऐसे गालक जो अम्लीय शुद्धियों को दूर करते हैं क्षारीय गालक कहलाते हैं। लिख दोगे? फिर इसका उदाहरण यो, इसका उदाहरण यो, नीचे ऐसे लिखो। चलो लिख कर दिखाओ।